धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, क्योंकि ये है इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। आज थरवई स्थित जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में प्रकृति संरक्षण आपदा से निजात पाने हेतु आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने वृक्षारोपण कर विद्यालय के संरक्षण व सीपी शर्मा क्लासेस के निर्देशक सीपी शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित कर प्राकृतिक संपदाओं में प्रमुख संपदा के रूप में वृक्ष हम सबको स्वस्थ जीवन, स्वस्थ प्राकृतिक संरचना हेतु अनेक बहुमूल्य संपदा उपलब्ध कराता है, वह भी बिना किसी शुल्क के। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह वृक्ष लगाए व प्रकृति संरक्षण हेतु अपने दायित्व का निर्वाहन करे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास अयोध्या के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी मौलिक चिंतन रमेश चतुर्वेदी ने कहा कि परमपिता परमेश्वर द्वारा रचित ब्रह्मांड की प्रकृति और स्वयं की प्रकृति में संतुलन बनाना नितांत आवश्यक है। इसलिए प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण हम सबका नैतिक दायित्व है, क्योंकि प्राकृतिक संपदाओं के महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमारे जीवन को संरक्षित करने वाले वृक्ष के प्रति यदि हम सब संवेदनशील नहीं हुए तो प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के लिए तैयार रहें। उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आईजी प्रयागराज केपी सिंह व आयोजक सीपी शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि देश के सजग प्रहरी के रूप में अपने दायित्व अनुपालन में दोनों योद्धाओं से समाज और प्रबुद्धजन को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस वैश्विक आपदा काल में भी लोगों को स्वदायित्व के प्रति जागरूक करने व प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं वास्तव में परमात्मा के चेतावनी व जन कल्याण सराहनीय व आत्मसात करने का योग्य है। प्रयागराज से राजन शुक्ला की एक रिपोर्ट। ये हमारे आपके विकारों को, विश्व को लेते हैं और अमृत प्रदान करते हैं। ये बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रहा आज जो हमारे भाई सीपी शर्मा जी ने यहाँ प्रारंभ किया। मैं बहुत बृहद न करते हुए पुनः आपको यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, हमारे मीडिया के साथी, सभी भाई लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को यथार्थ रूप में अंजाम देने के लिए सभी हमारे जो भी पुलिस प्रशासन के यहाँ भाई हैं, एसओ साहब हैं, आप लोग हम सब मिलके हर जगह ऐसे कार्यक्रम को चलाएं जिससे एक नया संदेश जाए। जो ये अभी आपदा काल चल रहा है, वैश्विक आपदा काल, इसमें भी हमारे प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो हम सब ब्रह्मांड की प्रकृति और अपने प्रकृति में संतुलन बना के